सलमान खान की फिल्म भारत की बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कमाई जारी है। इस फिल्म में दर्शकों को सलमान खान और कटरीना कैफ की जोड़ी खूब जम रही है। भारत ने पहले दिन जहां बम्पर ओपनिंग लेते हुए 42 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके रिकॉर्ड बनाया है, तो दूसरे दिन भी भारत ने 31 करोड़ की कमाई की है। अब खबर ये आ रही है कि फिल्म ने तीसरे दिन यानी शुक्रवार को 25 करोड़ से ऊपर की कमाई कर डाली है। इस तरह से फिल्म ने तीन दिन में 96 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। सलमान खान की फिल्म भारत की कमाई को लेकर बॉक्स ऑफिस इंडिया ने जानकारी दी है। सलमान खान और अली अब्बास जफर की जोड़ी जब भी बॉक्स ऑफिस पर आई है उसने तहलका मचाया है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सलमान खान, कटरीना कैफ और दिशा पटानी की फिल्म भारत को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि अपने पहले वीकेंड पर फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी। वैसे भी भारत तीन दिन में 100 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। फिल्म दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब जैसी जगहों पर धाकड़ कमाई कर रही है। फिल्म में सलमान खान और दिशा पटानी पहली बार काम कर रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। सलमान खान ने फिल्म भारत की कमाई से एक बार फिर दिखा दिया है कि वो बॉलीवुड के सुल्तान हैं। ये भारत की किसी भी फिल्म को अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। ये फिल्म अपने पहले वीकेंड में जोरदार कमाई करेगी, इसकी सभी को उम्मीद है। सलमान खान जब भी डायरेक्टर अली अब्बास जफर के साथ आए हैं, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर इस तरह का करिश्मा किया है, फिर वो चाहे सुल्तान हो या फिर टाइगर जिंदा है। इस तरह सलमान खान ने अली अब्बास जफर के साथ मिलकर तीसरी बार जोरदार करिश्मा किया है। सलमान खान की फिल्म भारत को बॉलीवुड से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और खूब तारीफें मिल रही हैं। सलमान खान वैसे भी अपनी पिछली कुछ फिल्मों में कुछ हटकर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत में भी साफ नजर आ रहा है। सलमान खान की भारत न सिर्फ एक शख्स की कहानी है, बल्कि इसके जरिए देश के बदलते स्वरूप और इसकी आत्मा की बात भी कही गई है। लेकिन फिल्म की लंबाई और बेवजह भरे गए गाने जरूर तंग करते हैं। हालांकि फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले हैं, लेकिन आने वाले दिन भारत के लिए काफी अहम रहने वाले हैं। सलमान खान और कटरीना कैफ की जोड़ी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।